नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मथुरा वृंदावन मास्टर प्लान 2031 के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से मथुरा वृंदावन मास्टर प्लान 2031 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब शीघ्र ही ये प्रकाशित हो जाएगा और आपके हाथों में प्रयोग के लिए आ जाएगा। तो मैं इस वीडियो में इस मथुरा वृंदावन मास्टर प्लान 2031 के अंतर्गत प्रमुख बिंदु क्या है, प्रमुख भूपयोग क्या है, इसके बारे में बात करूंगा, ताकि अगर कोई इन्वेस्टर मथुरा वृंदावन के मास्टर प्लान क्षेत्र के अंतर्गत नंदगांव, बरसाना, कोसी, गोवर्धन, छाता, वृंदावन इस क्षेत्र में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जमीन लेना चाह रहा है, वहाँ लेआउट पास कराना चाह रहा है, या ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट लाना चाह रहा है, या धार्मिक कोई भवन बनाना चाह रहा है, तो उसको कोई असुविधा ना हो, वो जान पाए कि कौन सी जमीन ऐसी है जहाँ पर नक्शे पास हो सकते हैं, जहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट उपयोगी हो सकता है, कोई रिस्क फैक्टर ना जुड़ा हो, इस संबंध में वो वीडियो देखकर जानकारी कर सकता है। और मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा अभी मथुरा वृंदावन मास्टर प्लान 2031 के ऊपर, जैसे ये प्रकाशित हो जाएगी, योजना आ जाएगी आपके हाथों में। अभी मैंने अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के ऊपर एक सीरीज बनाई है। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की भी बात हो रही है, तो अयोध्या के बाद में काशी मास्टर प्लान या बनारस मास्टर प्लान 2031 और मथुरा वृंदावन मास्टर प्लान 2031 के ऊपर भी सीरीज बनाने वाला हूं, क्योंकि ये दोनों योजनाएं शासन स्तर पर अनुमोदित हो गए हैं और शीघ्र आपके हाथों में आ जाएंगे उपयोग के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मथुरा वृंदावन मास्टर प्लान 2031 का प्रारूप लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रारूप अब अनुमोदित हो गया है, यही मास्टर प्लान आपके सामने आने वाला है। इसमें ये आपको दिख रही है, ये यमुना रिवर है। यमुना रिवर के इस तरफ लेफ्ट साइड में आपको ये पूरा मास्टर प्लान क्षेत्र दिख रहा है, जो यहाँ पर ये आउटर बाउंड्री दिख रही है, ये पूरा मास्टर प्लान एरिया है जो हमारा 2031 की योजना में शामिल किया गया है। इस तरह से इसमें अगर हम आगरा की तरफ से बात करें, तो ये आगरा को जाने वाला मार्ग है, मुख्य मार्ग। इस आगरा रोड से ये हमारे मथुरा शहर के अंतर्गत आ रहा है, ये पूरा मथुरा क्षेत्र है। ये आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा वृंदावन का क्षेत्र आ जाता है यहाँ पर, और वृंदावन के आगे हाईवे के किनारे दोनों तरफ हमारा ये अनुसूचित क्षेत्र है, जिसमें काफी क्षेत्र यहाँ एग्रीकल्चर भूपयोग के अंतर्गत दर्शित है। और आगे चलेंगे तो छाता और कोसी तक, और ये हमारा हरियाणा बॉर्डर तक मथुरा वृंदावन मास्टर प्लान 2031 लगा हुआ है, यहाँ तक इसकी सीमा है। और इसके साथ ही हम जब इधर बाई तरफ घूमते हैं, तो हमारे राजस्थान बॉर्डर से लगा हुआ ये मास्टर प्लान का क्षेत्र है। जो आगरा से रोड आ रहा था, ये सीधे दिल्ली को जा रहा है, ये रोड बिचौर को जा रहा है। इसके बाद ये हमारा कावा का रोड है, इस कावा के रोड के पास ये हमारा नंदगांव का एरिया है, ये हमारा बरसाना का एरिया है। यहाँ पर हमारी जो आउटर सीमा है वो राजस्थान से लगती हुई है, ऐसे घूमते हुए आ रहे हैं। ये पूरा गोवर्धन क्षेत्र है, ये हमारी रोड जो है डी को जा रही है राजस्थान के अंतर्गत। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं मास्टर प्लान सीमा के अंतर्गत, तो ये हमारा डी है और ये कुम्हेरा को जाने वाली रोड है जो सामने जा रही है। इस तरह घूम के फिर हम आ जाते हैं तो ये हमारा आगरा रोड में मिल जाता है। ये हमारा मथुरा वृंदावन मास्टर प्लान 2031 स्वीकृत हुआ है, जिसमें कि मथुरा, वृंदावन, छाता, कोसी, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, ये सारे क्षेत्र शामिल किए गए हैं। अब प्रमुख भूपयोग की बात करते हैं, कौन कौन से भूपयोग इसमें है। देखिए, ये यहाँ पर जो कंटेंट दिया है, इसमें पीले रंग से दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क पीला है, ये निर्मित क्षेत्र है। जहाँ पर ये थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, ये सारा हमारा बिल्टअप एरिया है, निर्मित क्षेत्र है। इसके बाद ये ग्रामीण आबादी है, जो थोड़ा सा दूसरे कलर से दिख रहा है, पीले से मिलता जुलता ग्रामीण आबादी जिसको चिन्हित किया गया है, यहाँ पर दिख रहा है ये ग्रामीण आबादी है। इसी तरह आवासीय जो एकदम येलो है, ये हमारा रेजिडेंशियल जोन है, यहाँ पर आवासीय भूपयोग है, यहाँ पर भी येलो क्षेत्र आपको दिख रहा है। फिर ये कार्यालय है, पुलिस लाइन है। इसी तरह सामुदायिक सांस्कृतिक सुविधाएं व उपयोगिताएं भूपयोग है, जिसमें कि एम्यूजमेंट पार्क है, जो भी ग्रीन दिख रहा है, और ये नॉलेज पार्क, इंटर कॉलेज, स्नातक, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्राविधिक संस्थाएं, विशिष्ट संस्थाएं, चिकित्सालय, चिकित्सा एवं हेल्थ केयर सुविधा, विशिष्ट चिकित्सालय और पर्यटन स्थल इसमें दर्शाए गए हैं। फिर सामुदायिक सुविधाओं के अंतर्गत दूरभाष केंद्र, विद्युत गृह, जलकल संस्थान, ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज फार्म और डंपिंग ग्राउंड, ये दिखाए गए हैं। फिर इंडस्ट्रियल लैंड यूज आ जाता है, इंडस्ट्रियल लैंड यूज में लघु उद्योग, बृहद उद्योग, रिफाइनरी क्षेत्र, आईटी पार्क और यूपी सीडा का एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यूपी सीडा का है, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा है, इंडस्ट्रियल लैंड विकसित किया गया है। और यहाँ पर आगरा रोड पर जब आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये रिफाइनरी का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है इसमें। फिर धार्मिक एवं आश्रम मठ उपयोग है, जो इस तरह दिख रहा है,
वृंदावन क्षेत्र में काफी ये धार्मिक और ये भूख योग दिख रहा है। इसी तरह पार्क एवं खुले स्थान ये ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं। जोनल पार्क है, ग्रीन बेल्ट है, पार्क है और इसमें डिस्ट्रिक्ट पार्क है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है। और अन्य भूपयोगों में जलाशय, तालाब, पोखर, नदी, नाला, नहर, वन क्षेत्र, नर्सरी, पौधशाला, श्मशान, कब्रिस्तान, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, अपरवासित क्षेत्र और कुंड और बाघ, इस तरह ये विभिन्न भूपयोग इसमें दर्शाए गए हैं। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, इंटरनेट पर भी उपलब्ध है ये, तो आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा। हो सकता है इसमें आपको पढ़ने में असुविधा हो रही हो। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि ये मास्टर प्लान अनुमोदित हो गया शासन से, शीघ्र इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है इसके बारे में, जैसे ये मास्टर प्लान मेरे हाथों में आ जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा, तो मैं विस्तार से इसकी एक सीरीज भी बना दूंगा, ताकि जो हमारे उपयोगकर्ता हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं मास्टर प्लान से संबंधित, जिनका कोई इन्वेस्टमेंट करना है या कोई भवन बनाना है या कोई लेआउट पास कराना है, तो उनको कोई असुविधा ना हो और मैं उनकी हेल्प कर सकूं इन वीडियोस के माध्यम से, या वो कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो उसके माध्यम से भी मैं उनकी हेल्प कर सकता हूं। आगरा और दिल्ली हाईवे के किनारे दोनों तरफ मुख्य भूपयोग रोड के बाद अधिकांश जगह पर कृषि भूपयोग है। यहाँ पर कोई भी अन्य क्रिया कृषि के अलावा अनुमन्य नहीं की जाएगी। इसी तरह हाईवे के किनारे हाईवे फैसिलिटी जोन दर्शाया गया है। हाईवे फैसिलिटी जोन भूपयोग में भी जो क्रियाएं हाईवे फैसिलिटी जोन भूपयोग के अंतर्गत मास्टर प्लान में अनुमन्य है, वही क्रियाएं अनुमन्य की जा सकती है, अनुमोदित की जा सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हाईवे फैसिलिटी जोन में कौन कौन सी क्रियाएं अनुमन्य होती हैं, तो इसके संबंध में मैंने हाईवे फैसिलिटी जोन के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल पर सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने विस्तार से बताया है कि हाईवे फैसिलिटी जोन भूपयोग के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं और किस तरह अनुमन्य की जा सकती है, क्या उसकी प्रक्रिया है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो ही समाप्त होता है। नमस्कार।